और वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जो कि फतेहपुर से है। बीजेपी विधायक के ब्लॉक प्रमुख बेटे की गुंडई सामने आई है। एनआरआई को नहीं बनने दे रहे व्यवसायिक बिल्डिंग। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर 12 फुट जगह ना देने पर दिखा रहे गुंडई। इस वक्त की बड़ी है और आपको बता दें, सदर कोतवाली के पटेल नगर का ये मामला है, जहां पर एनआरआई को नहीं बनाने दे रहे हैं बिल्डिंग और 12 फुट जगह ना देने पर दिखाई दे रहे हैं गुंडई। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, पीड़ित ने सीएम से लगाई है न्याय की गुहार। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर जो सदर कोतवाली के पटेल नगर चौराहे का ये मामला है, जहां पर ब्लॉक प्रमुख की दबंगई सामने देखने को आ रही है। और ये आपको बता दें, फतेहपुर में ब्लॉक प्रमुख के दबंगई की सामने आ रही है। बीजेपी विधायक के ब्लॉक प्रमुख बेटे की गुंडई देखने को मिल रही है, जहां पर एनआरआई को नहीं बनाने दे रहे व्यवसायिक बिल्डिंग, जिसके बाद एनआरआई ने सीएम से न्याय की गुहार लगाई है। और आपको बता दें, 12 फुट जगह ना देने पर गुंडई दिखा रहे हैं बीजेपी विधायक के बेटे ब्लॉक प्रमुख, और पीड़ित ने सीएम से लगाई है गुहार। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जाओ कि सदर कोतवाली के पटेल नगर चौराहे का ये मामला है, जहां पर ब्लॉक प्रमुख की दबंगई देखने को सामने आ रही है। जहां पर बीजेपी विधायक के बेटे ब्लॉक प्रमुख की दबंगई देखने को सामने आई। एनआरआई को नहीं बनाने दी जा रही है व्यवसायिक बिल्डिंग, जिसके बाद पीड़ित ने सीएम से न्याय की गुहार लगाई। और वहीं आपको बता दें, एनआरआई ने 12 फुट जमीन देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ब्लॉक प्रमुख की दबंगई देखने को सामने आई। और वहीं पीड़ित ने सीएम से न्याय की गुहार लगाई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जो कि सदर कोतवाली के पटेल नगर चौराहे का ये मामला है, जहां पर ब्लॉक प्रमुख की दबंगई देखने को सामने आ रही है। जहां पर एक एनआरआई को परेशान किया जा रहा है और उसे एक व्यवसायिक बिल्डिंग नहीं बनाने दिया जा रहा। और वहीं इसको लेकर आपको बता दें, एनआरआई से 12 फुट की जमीन मांगी गई थी, लेकिन उसने वो देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद एनआरआई को व्यवसायिक बिल्डिंग नहीं बनाने दी जा रही। इसके अलावा पीड़ित एनआरआई ने सीएम से न्याय की गुहार लगाई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर पीड़ित ने सीएम से लगाई न्याय की गुहार। और वहीं आपको बता दें, सदर कोतवाली के पटेल नगर चौराहे का ये मामला है, ब्लॉक प्रमुख की दबंगई देखने को मिल रही है, जहां पर बीजेपी विधायक के बेटे ब्लॉक प्रमुख ने एनआरआई को व्यवसायिक बिल्डिंग नहीं बनाने दिया जा रहा है। और वहीं एनआरआई ने सीएम से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं आपको बता दें, एनआरआई से 12 फुट की जमीन मांगी गई थी, लेकिन एनआरआई ने जमीन देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ब्लॉक प्रमुख की दबंगई सामने आ रही है और उन्हें एनआरआई को व्यवसायिक बिल्डिंग बनाने से रोका जा रहा है, जिसके बाद पीड़ित एनआरआई ने सीएम से न्याय की गुहार लगाई है। इस वक्त की बड़ी खबर, जो कि सदर कोतवाली के पटेल नगर चौराहे का ये मामला है, जहां पर एक एनआरआई को परेशान किया जा रहा है, उसे व्यवसायिक बिल्डिंग नहीं बनाने दिया जा रहा है। और वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए गोवा सरकार ने राज्य में जारी कर्फ्यू 9 अगस्त तक बढ़ा दिया है। इससे पहले कर्फ्यू की समय सीमा 2 अगस्त को खत्म हो रही थी। गोवा प्रशासन ने आदेश में कहा है कि सभी कोरोना संबंधित प्रतिबंध जारी रहेंगे और कोई नई छूट नहीं दी जाएगी। गोवा में रविवार को कोविड के 59 नए मामले सामने आए, जिससे राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,71,205 हो गई, जबकि एक और मरीज की संक्रमण के चलते जान चली गई। और वहीं जान से मृतक संख्या 3,148 हो गई। और वहीं दिन के दौरान 105 मरीजों को
105 मरीजों को संक्रमण से ठीक होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जिसमें गोवा में अभी तक ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 1,67,000 हो गई अब, और वहीं 111 मामले उपचाराधीन हैं। वहीं भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में कल ग्रेट ब्रिटेन को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में एंट्री कर ली है। कभी ओलंपिक में हॉकी के मैदान की बेताज बादशाह रही भारतीय टीम 41 साल बाद यहां सेमीफाइनल में पहुंची है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भारतीय हॉकी टीम को क्वार्टर फाइनल में उसकी शानदार जीत के लिए बधाई दी है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हॉकी टीम की जीत पर ट्वीट करते हुए लिखा, शानदार प्रदर्शन, क्वार्टर फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ बेहतरीन जीत के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम को बधाई। आशा है कि टीम इंडिया अगले मैच में भी इसी तरह का प्रदर्शन करेगी और हॉकी में मेडल लाकर देश के सालों के इंतजार को खत्म करेगी। ऑल द बेस्ट, नवीन पटनायक ने अपने ट्वीट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वो भारत और ग्रेट ब्रिटेन का मुकाबला देखते नजर आ रहे हैं। वहीं बता दें कि भारत ने साल 1980 के ओलंपिक खेलों में आखिरी बार हॉकी का मेडल जीता था। हालांकि टीम ने अब तक अपने सभी मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया। अगर बेल्जियम के खिलाफ होने वाले सेमीफाइनल में भी टीम की ये फॉर्म जारी रहती है तो भारत ओलंपिक हॉकी में अपनी पदक का सूखा समाप्त कर सकता है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में बारिश का दौर जारी है। इस बीच कई स्थानों पर जल भराव भी हो गया है। इस बीच यमुना में जल स्तर फिर से बढ़ गया है। रविवार को यमुना के डूबे वाले क्षेत्र से पिछले कुछ दिनों में 100 से अधिक परिवारों को ऊंचाई वाले इलाकों में पहुंचाया गया। नदी के तटीय इलाकों में भारी बारिश के कारण शुक्रवार को जल स्तर खतरे के निशान 205 को पार कर गया। हालांकि शनिवार शाम को जल स्तर कम हो गया था और वहीं दिल्ली के लिए जुलाई का महीना मौसम की दृष्टि से बहुत ही अजीबोगरीब रहा, क्योंकि इस महीने में 5 दिन लू चली जो 2012 के बाद से अधिकतम है। इसके अलावा मानसून भी 2 हफ्ते की देरी से आया जो असामान्य है और लगभग 2 दशकों के रिकॉर्ड को तोड़ने वाली मूसलाधार बारिश हुई। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में 13 जुलाई को मानसून ने दस्तक दिया जो 19 सालों में सबसे अधिक विलंब से पहुंचने वाला मानसून बन गया। और वहीं इतनी देर से बारिश होने मानसून के पहुंचने के बावजूद राजधानी में इस महीने बारिश देखने को मिली और वहीं इस महीने में 16 बरसात के दिन दर्ज किए गए जो पिछले 4 सालों में सबसे अधिक है। मानसून के शहर में पहुंचने से पहले 3 दिन बारिश हुई थी। और वहीं इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्य न्यूज़।